आप सुन रहे हैं विविध भारती पिटारा। आज पिटारा में पेश है आज के मेहमान। अथ स्वागतम शुभ स्वागतम आनंद मंगल मंगलम आनंद मंगल मंगलम इत प्रियम भारत भारतम इत प्रियम भारत भारतम स्वागतम शुभ स्वागतम अथ स्वागतम शुभ स्वागतम। श्रोताओं, हमारे आज के मेहमान हैं दूरदर्शन श्रृंखला महाभारत के दुर्योधन, जाने माने अभिनेता पुनीत इस्सर। आपसे बातचीत की है रेणु चतुर्वेदी ने। श्रोताओं, कुछ ऐसे धारावाहिक होते हैं जिन्हें हम जब कभी देखें तो लगता है कि देखते ही रहें। ऐसा ही धारावाहिक बना रामायण और महाभारत, जिसे आज भी हम उतना ही याद करते हैं। और एक बार फिर धारावाहिक महाभारत जीवंत हो उठा हमारे सामने, जो हमने कई वर्षों पहले, 3 दशक से भी ज़्यादा समय पहले हमने देखा था और उसका पूरा भरपूर आनंद लिया था। और आजकल फिर हम देख रहे हैं और इसमें बहुत सारे ऐसे चरित्र हैं जिनके बारे में हम अगर बात करें तो बहुत सारा समय भी है वो कम पड़ जाएगा, लेकिन सभी ने बखूबी अपने अपने जो चरित्र थे उसको अभिनीत किया और बहुत अच्छे अभिनय का प्रदर्शन किया। उसी में से एक नाम है पुनीत इस्सर का। पुनीत इस्सर जी ने, जैसा कि श्रोताओं आपने देखा है, दर्शकों ने देखा है उन्हें दुर्योधन के रूप में धारावाहिक महाभारत में। तो लीजिए, आज के मेहमान में हमारे मेहमान हैं पुनीत इस्सर। एक बार फिर से तरोताज़ा हो गई आपकी यादें। दो चीज़ें जो सबसे पहले आपने की, यानी कि टीवी का जो सीरियल आपने पहला किया महाभारत, उसने इतिहास रच दिया, और दूसरा पहली फिल्म आपकी जो थी, हाँ जी कुली जी, उसने भी इतिहास रच दिया। क्या बात है। जी, वो तो ईश्वर की कृपा है जी। पुनीत इस्सर जी, इस धारावाहिक को इस वक्त जो फिर से शुरू हो गया है उसको किस नजरिए से देखते हैं? ये बहुत ही अच्छी वेलकम मूव है जी। मैं समझता हूँ कि पूरी मानव जाति के समक्ष ये आपदा की घड़ी है जी, और ये हमारे धैर्य, हमारे संयम, हमारे संकल्प की परीक्षा है जी। हाँ। और जब एक सरकार ने ये आदेश दिया है कि वे हमें 21 दिन का लॉकडाउन इसका पालन करना है, तो मैं समझता हूँ लोगों के लिए बहुत मुश्किल है ये। इट इज नॉट इजी। रामायण और जो महाभारत दिखाना शुरू किया है, एक मनोरंजन का जो तरीका, तो 4 घंटे कम से कम, और वो समय ऐसे हैं जब लोग ज्यादा बाहर निकलते हैं तो कम से कम ये देखने के उसमें लोग बाहर नहीं निकलेंगे। इट्स अ वेरी गुड थिंग, ताकि हम जो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर सकें, लोग अपने ज्यादा समय अपने घर में रह सकें, उसमें ये डेफिनेटली हेल्प करेगा, लोगों को बोरियत से बचाएगा जी। और सबसे बड़ी बात, लोगों को ये फिर से सीखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा कि हमारी धरोहर क्या थी, हमारी संस्कृति क्या है, हमारी सभ्यता क्या है। और आजकल की जो जनरेशन है जी, जिन्होंने वो महाभारत या वो रामायण नहीं देखा था, आज उन्हें देखने को मिलेगा तो डेफिनेटली उन्हें सब कुछ ये नया सीखने को मिलेगा जी। हाँ बिल्कुल, उसमें जिस ढंग से बात की जाती है, माता पिता को श्री लगा के बात की गई और वो एक परंपरा बन गई थी, लोग घर में भी उसी तरह से बात करने लगे जी। दूसरा जी, सबसे खूबसूरत बात, ये दोनों जो हमारे महान ग्रंथ हैं जी, ये जो है जीवन किस तरह व्यतीत करना चाहिए, किस तरह जीना चाहिए, ये हमें सिखाता है जी। हाँ, और ये मेरा तो ये अटूट मानना है कि रामायण हमें सिखाता है क्या करना चाहिए जी, और महाभारत सिखाता है क्या नहीं करना चाहिए। क्या बात है, ये एक लाइन में आपने इसको बता दिया। वो कहते ना कि रामायण आदर्श पिता, आदर्श पत्नी, आदर्श भाई, आदर्श शत्रु जी, सब कुछ आदर्श है। बिल्कुल, तो क्या होना चाहिए, तो ये भी एक व्याख्या ये भी है कि क्या होना चाहिए इस रामायण और क्या हो रहा है ये महाभारत, सबक देने के लिए है। और इसीलिए रामचंद्र का जो एक स्वरूप दिया, अवतारी पुरुष थे, मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, और कृष्ण जो थे वो 16 कलाओं के साथ आए, संपूर्ण थे जी, संपूर्ण थे। उन्होंने मतलब चोरी भी की, रण भी छोड़ा, बांसुरी भी बजाई जी, सोने को भी आकार देने के लिए मिश्रण की आवश्यकता है जी। बिल्कुल,
संपूर्णतः। चलिए अब बात करते हैं पुनीत इस सर की, दुर्योधन के लिए किस तरह से आपका चयन हुआ? मुझे याद है 1986 में जब मुझे पता चला कि चोपड़ा साहब महाभारत बनाने जा रहे हैं, तो मैं भी उनसे मिलने गया, क्योंकि मैं जिस तरह की रोल कर रहा था कुली के बाद, एक उस पर छाप लग चुकी थी कि पुनीत सर एक फाइटर है, बॉडी बहुत अच्छी है, 3 इंच का कद है, तो मुझे जिस तरह के रोल्स मिल रहे थे मैं उससे खुश नहीं था। अच्छा। तो पता चला कि चोपड़ा साहब महाभारत बना रहे हैं, मैं उनसे मिलने गया, तो मुझे देखते ही कहने लगे कि भाई वाह क्या हाइट है, बॉडी है लड़के की, चलो भाई सिलेक्टेड, बेटा तुम भीम बन गए। अच्छा। तुमको हम भीम के लिए ओके कर देते हैं। तो मैं फिर ढारस बंधा कर मैंने उनसे कहा, जी मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं आपके पास में यहाँ पे आया हूँ दुर्योधन के पात्र के लिए, उसको उसके लिए ऑडिशन करने है। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि बेटा कमाल है भाई, यहाँ पे हर इंसान हीरो बनना चाहता है और हम महाबली भीमसेन का पात्र दे रहे हैं जी, जिसने भी 100 कौरवों को मारा है, तो व्हाई आर यू सेइंग नो टू इट? यस। बोला जी मैं नहीं जानता हूँ, महाबली भीम सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पात्र जरूर है, लेकिन मैंने महाभारत पढ़ा हुआ है और मेरे हिसाब से दुर्योधन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर, तो एज एन एक्टर मुझे परफॉर्म करने का ज्यादा उसमें स्कोप है मेरे लिए, तो मैं उसके ऑडिशन में चाहूंगा कि मैं करूं। पुनीत जी, उस समय जैसे आपने कहा संघर्ष कर रहे थे आप जी, ऐसे में क्या होता है कि हमें जो रोल मिलता है जैसे भी मिलता है हम ले लेते हैं, फिर आपने कैसे इस तरह से कहा, अपनी शर्तें रखी? मानना था बिकॉज मैंने महाभारत पढ़ी हुई थी। अच्छा। मैं जानता था कि हाउ इम्पोर्टेंट दुर्योधन कैरेक्टर इज जी, एंड आई वॉन्टेड कि भी मुझे था कि मैं ये रोल करूंगा तो इससे मैं मतलब एक डायमेंशन दे पाऊंगा उस पात्र को, और एज एन एक्टर जो मैं अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहता हूँ इंडस्ट्री में, तो ये पात्र से डेफिनेटली मेरा एक जो रास्ता खुलेगा, मैं ज्यादा मतलब प्रतिभा को दिखा पाऊंगा जी। लेकिन यहाँ पर एक बात आपकी बात से जो लग रही है वो हम शेयर जरूर करना चाहेंगे अपने श्रोताओं के साथ, जब आप कुछ पढ़कर या उसका अनुभव लेकर बात अपनी रखते हैं तो उस बात में दम होता है, तभी सामने वाला उससे सहमत होता है। जी हाँ बिल्कुल। अगर आप यूं ही कहते कि नहीं हमें ये रोल नहीं चाहिए, हमें दुर्योधन चाहिए, बिल्कुल नहीं, मैंने तो आपके पास कोई मतलब कारण नहीं होता कि क्यों चाहिए। जी नहीं, उन्होंने मुझसे पूछा उस समय राही मासूम रजा साहब जो हमारे डायलॉग राइटर थे, जी हाँ, पंडित नरेंद्र शर्मा जी जिन्होंने पूरा स्क्रीन प्ले स्टोरी सब लिखा था, वे सब मौजूद थे, सबके सामने बात हुई, बोला तो उनसे पूछा भी राही साहब ने, हाँ बेटे आपने क्या पढ़ा है, आप कैसे कह सकते हैं? तो मैंने कहा जी महाकाव्य है जयद्रथ वध, जयद्रथ चंद्रगुप्त जी का महाकाव्य है। जी हाँ जी हाँ। फिर एक रश्मि रथी जी दिनकर जी का लिखा, दिनकर जी का लिखा मुझे कंठस्थ याद है। क्या बात है। इसकी मैंने उनसे कहा कि मैंने अपना एक उरुभंगम एक किताब थी जो महाकवि भास ने लिखी थी, जी जी, वो दुर्योधन के दृष्टिकोण से पूरी लिखी हुई थी, मैंने वो भी पढ़ी हुई थी। और रश्मि रथी कर्ण की दृष्टि से, वो कर्ण की दृष्टि से थी जी। जयद्रथ वध जो थी वो कहिए आप कृष्ण, कहिए अर्जुन, कहिए उत्तरा, कुछ भी कह सकते, वो सबके प्रति, पर जयद्रथ वध, तो उन्हें कहा आपने जयद्रथ वध पढ़ा हुआ है? मैंने जी हाँ पढ़ा हुआ है। पढ़ा क्या, मुझे तो कंठस्थ याद है। अच्छा। तो उन्हें आपको सुनाइए कुछ, तो कहते ना हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, तो मैंने कहा ठीक है साहब सुनिए, मैं खड़ा हो गया जी। तो यहाँ पर भी आप बस खड़े हो जाइए, सुना दीजिए। हाँ ठीक है, आपको सुना देते हैं, उसमें क्या है, स्वागत आपको, मैं कुछ पंक्तियां सुनाता हूँ। स्वागत। इस बात को तो खैर 35 वर्ष हो चुके हैं, 37 हो गए जी, 35 वर्ष जी, मुझे आज तत्वध की मतलब कई पंक्तियां कंठस्थ याद है। स्वागत है। वाचक प्रथम सर्वत्र ही जय जानकी जीवन कहो, फिर पूर्वजों के शील की शिक्षा तरंगों में बहो, दुख शोक जब जो आ पड़े सो धैर्य पूर्वक सब सहो, होगी सफलता क्यों नहीं कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो, अधिकार खोकर बैठ रहना ये महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है, इस तत्व पर ही कौरवों का पांडवों से रण हुआ जो भव्य भारत वर्ष के कल्पांत का कारण हुआ, दुर्वृत्त दुर्योधन न जो शठता सहित हठ ठानता, जो प्रेम पूर्वक पांडवों की मान्यता को मानता, तो डूबता भारत नहीं यूं रणरक्त पारावार में, ले डूबता है एक पापी नाव को मझधार में। क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये तो शुरुआत की थी, कमाल कमाल, उसका मीटर देखिए जो लिखा हुआ है। जी चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है, और एक पंजाबी होने के बाद भी आपका जो उच्चारण है और एक्सेंट है वो बहुत उम्दा है। हाँ जी, हमने देखिए मेरी पैदाइश परवरिश बम्बई में हुई है, जो है मेरे पिताजी वो उन्होंने हिंदी में एमए किया था, उन्होंने उर्दू में किया, इंग्लिश में किया, तो घर में फिर उनका था कि तुम्हें एक बेटे कलाकार अगर बनना है तो आशा पर आपका कमांड
उर्दू पर, जबान पर जो है वो तलफ्फुज़ जो एकदम सही होना चाहिए जी, तो उस पर मेहनत कीजिए। क्या बात है, जब आप इस तरह से ढिशुम ढिशुम करते हैं तो बिल्कुल लगता नहीं है कि आपको इतना ज्ञान है। क्या किया जाए बताइए, कुछ ऐसा आना चाहिए ना कि पता लगे कि पुनीत इस्सर को ये सब महाकाव्य याद है। और ये मानो कि मैंने एक प्ले बनाया है जो दो वर्षों से कर रहा हूँ जी, मैंने एक हिंदी नाटक बनाया है जिसका नाम है महाभारत दी एपिक टेल। क्या बात है, उसे लिखा मैंने है। अच्छा। और दुर्योधन और कर्ण के दृष्टिकोण से मैंने लिखा है उसे। ओ, बहुत आई प्ले दुर्योधन इन दैट, और पद्य फॉर्म में है जी। अच्छा, हाँ जी, बहुत बढ़िया, तो बहुत ही सुपर हिट पे ऑलमोस्ट, मतलब पद्य आप लिख लेते हैं, कविताएं भी लिखते हैं। नहीं, उसमें क्या है? मतलब हाँ, प्रोज पूरा लिखा, फिर समय लगा, बिकॉज मैं कोई राइट पोएट नहीं हूँ, तो जो मैंने लिखा वो कहीं गड़बड़ थी, उसका मीटर गड़बड़ हुआ, तो फिर कुछ बुद्धिजीवी हैं उनसे मिला कि भाई मैंने ये किया है, आप मुझे थोड़ा मेरा मार्गदर्शन करिए जी। तो फिर थोड़ा के बेटा ये तुमने गलत किया है, ये तो उसको ठीक करा के तुम लिखा मैंने ही है। वाह, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है कि एक हम कह सकते हैं कि एक राइटर, एक अभिनेता और एक अच्छे विद्वान व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं। सिर्फ वो सिर्फ और सिर्फ अभिनेता नहीं है या किरदार नहीं अदा करते। मैंने गर्व बनाई थी जो फिल्म सलमान खान को लेकर, जी जी, उसका लेखक निर्देशन मैंने किया था। जी हाँ, निर्देशन दोनों। सर, जब हम बात करते हैं कि कोई विलेन या इस तरह से दुर्योधन जैसा किरदार हो या भीम जैसा किरदार, तो उसमें हम वही स्वरूप देखते हैं जैसे कि आपकी फिजिक है, यूं कहें शारीरिक गठन जो है 6 फीट 3 इंच, तो क्या लगता है कि इतना होना जरूरी है या आपको लगता है कि हाँ कम कद वाला है? कुछ नहीं है जी। जी, ये क्या देखिए, भीम काय में आप एक 5 फुट 6 इंच के आदमी को भीम नहीं बना सकते जी। अभी दारा सिंह जो था एक छवि आती है, या जैसे अभी अगर आजकल के जो दौर में देखें तो मुझे रॉक जो है, जो एक रेसलर है आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, वो इस पात्र को तो करें, अब दूसरा नहीं कर सकता बिल्कुल। तो दुर्योधन जो है, जो विलन है, जो गदाधारी है, वो भीम से मुकाबला, तो एक 5 फुट 5 इंच का मरा हुआ इंसान आप भीम दुर्योधन नहीं बना सकते बिल्कुल। वो एक तरफ था, एक अकेला था, बाकी सब अलग थे। बहुत शक्तिशाली, दुर्योधन भी बहुत शक्तिशाली है। हाँ ठीक है, प्रशंसा बहुत हुई महाबली भीम की। कहते हैं कि जब एक बार पांडवों ने पूछा था कृष्ण से जी कि भाई महायुद्ध तो अब सुनिश्चित है जी, तो आप बताएं कि ये युद्ध में अगर भीम और दुर्योधन का आमना सामना हो तो कौन जीतेगा जी? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, देखो भाई, ताकत में, बल में, दोनों में कौन ताकतवर है ये मैं नहीं कह सकता जी, ये जानना बताना मुश्किल है। वो उसी समय पता चलेगा जब युद्ध होगा, तो जब लड़ाई होगी तब तो पता चलेगा कौन ज्यादा शक्तिशाली है, यानी दोनों बराबरी पे थे। लेकिन गदा युद्ध की जो कला है जी, उसमें जो निपुण, वो दुर्योधन से बेटर कोई नहीं है जी। वो दुर्योधन से बेटर, क्योंकि वो सबसे सबसे प्रिय, सबसे बेस्ट स्टूडेंट था बलराम का जी, गदाधारी बलराम। 13 वर्ष जो गए हैं अज्ञातवास के, ये जो अपना 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का, 1 वर्ष का जो अज्ञातवास हुआ है, इसमें उसने केवल गदा युद्ध की ही प्रिपरेशन की है जी। बिकॉज वो जानता है कि युद्ध तो अल्टीमेटली होगा, मेरा भीम का आमना सामना होगा और मुझे भीम को परास्त करना है। दुर्योधन तैयारी कर रहा था। अच्छा, जब ये अज्ञातवास में थे। अच्छा, जब ये 12 वर्ष का, हाँ, समझ गए, 1 साल का अज्ञातवास था जी जी, तो वो 13 वर्ष दुर्योधन ने केवल गदा अभ्यास किया। अच्छा, क्योंकि रण तो सुनिश्चित है, बिल्कुल सुनिश्चित था, तो मेरा भीम का, मुझे भीम को हराना है, मुझे दुनिया को दिखाना है कि सबसे बलशाली और बेस्ट गदाधर कौन है, वो मैं हूँ, भीम नहीं है। अच्छा, इसके लिए खुद आपने तैयारी क्या की? मैं बता रहा हूँ जी, देखिए मैं करता था मार्शल आर्ट्स जी, आई वॉज ऑन द स्लिमर साइड, बट भाई आप मानोगे नहीं, आपने देखा उस वक्त महाभारत के जितने भी पात्र थे, सबकी किसी की बॉडी नहीं थी, बेचारे अच्छे फिट थे लोग, बट आई वॉज द ओनली वन जिसकी प्रॉपर बॉडी थी, प्रॉपर मसल थे, बिल्कुल, चेस्ट कहो, शोल्डर्स कहो, बाइसेप, ट्राइसेप, बैक, फोरआर्म, कंप्लीट लेग्स, एक प्रॉपर वी शेप, जो दैट टाइम जी जी, मतलब 1983 में। हाँ जी, मैं मस्कुलर बॉडी की बात कर रहा हूँ जी, मैं समझ रही हूँ, जो आज प्रचलन हो गया है, जिसकी कि आज बहुत रिवाज हो गया और क्रेज हो गया लोगों में। That time I was only one who had that kind of a body. Perfect. Because I was into weight training, तो मैं मार्शल आर्ट करता था। अच्छा। फिर चोपड़ा साहब ने मुझे अल्टीमेटम दिया कि भीम मिल नहीं रहा। वो पहले सोच रहे थे जो बलराम बने थे हमारे, सागर सलूंके साहब जी, जो बलराम बने थे, वो सोचते इनको भीम बना देते हैं। अच्छा। बट वो मेरे सामने हाइट में छोटे थे, 5 फुट 11 इंच थे जी, तो वो कहने लगे यार भीम दुर्योधन से कम कैसे होगा, ये तो गलत हो जाएगा जी। तो एक योद्धा दिखाना है तो कैसे होगा, ये तो होगा नहीं। तो उन्होंने कहा कि एक काम को, मुझे बुलाया गया, फिर जी क्या हुआ
कि भाई हमें भीम नहीं मिल रहा जो तुमसे बड़ा हो, जो तुमसे शक्तिशाली लगे जी। तो अगर वो नहीं कोई भीम मिला बेटा, तुम्ही को भीम करना पड़ेगा। अच्छा। तो मैं फिर डर गया, मैंने मैं फिर फंस गया। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि प्रवीण कुमार जी जो थे जी, जो हमारे एशियन गोल्ड मेडलिस्ट थे जी जी, ट्वाइस ही वाज अ गोल्ड मेडलिस्ट जी, जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया था एशियन गोल्ड, ये है डिस्कस थ्रो हैमर थ्रो। तो मैंने उनका नाम लिया, मैंने जी हमारे प्रवीण कुमार पाजी हैं दिल्ली में, मैं उनकी बहुत इज्जत करता था जी। वो 6 फुट 7 इंच हाइट, 8 इंच उनकी हाइट है, तो मुझसे भी लंबे हैं, वो भीम काए हैं जी। हाँ। तो कहते वेरी गुड वेरी गुड। हाँ। तो फिर प्रवीण कुमार जी को बुलाया गया, उनको से वो जब सिलेक्ट हो गए जी, तो बहुत अच्छा हुआ। मैंने यार ये तो हो गया, आपका भी रोल पक्का हो गया, एकदम ही छोटा, आपका भी रोल पक्का हो गया, मेरा भी रोल पक्का हो गया, मैं खुश हो गया कि वो भीम के जो जो तलवार मेरे सर पे लटकी थी वो निकली जी। तो वो हुआ। फिर मैंने कहा कि यार लेकिन इस रोल के लिए ये सामने मेरे भीम है, आदमी का अंदर से कितना भी मस्कुलर हो, कपड़े पहन के तो आदमी छोटा लग रहा है उसके साथ जी। तो मैंने, आप मानोगे नहीं, 1986 में मैंने मार्शल आर्ट करना बंद किया। अच्छा। जो मैं कुंग फू करता था मैंने बंद किया, एंड आई स्टार्टेड ओनली डूइंग वेट ट्रेनिंग। अच्छा। हैवी वेट्स करना मैंने शुरू किया, और मैंने तकरीबन 18 से 19 किलो मैंने वजन बढ़ाया अपना, एंड आई केम टू 102-105 किलोज ऑफ वेट, टोटल मसल वेट जैसे कहते हैं आप जी जी, नो फैट। मैंने नो बढ़ाया ताकि मैं उनके सामने लगू तो सही जी, ये करना पड़ा जी। ये श्रोता हमारे समझ रहे होंगे ये सारी चीजें कि कितनी मेहनत होती है, कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है, यूं ही कोई हीरो हीरो नहीं बन जाता या सबका चहेता नहीं बन जाता। बिल्कुल जी बिल्कुल। जब एक बार जब मैं साइन कैरेक्टर मेरा हो गया, उसके बाद जो भी दुर्योधन पर कुछ भी मुझे मौका मिलता पढ़ने का पड़ता था। अच्छा। मैं जाके पंडित नरेंद्र शर्मा जी की वजह के बैठता था कि जो क्या है। अच्छा। मुझे समझाइए, बोलते बेटा उसमें एंगर जो 5 विकार हैं जी, ये भरे हुए उस पात्र में। अच्छा। उसमें क्रोध है, अहंकार है, बदला लेने की भावना है जी, सुख में बहुत खुश हो जाता है, दुख में प्रलाप करता है जी, मतलब एक समता भाव है नहीं उस पात्र में, सब बहुत महत्वाकांक्षी है। अच्छा। ईर्ष्या भरी हुई है उसमें जी, और सबसे महत्व तो ये जो 5 विकार जो है उसमें कूट कूट के भरे हुए हैं जी। तो ये सब चीजें फिर क्या, अच्छा फिर उसका रीजन दिया मैंने, रीजन हमने क्या कि क्यों ना हो जी, आर्गुमेंट क्या है कि भाई मुझ में अहंकार क्यों ना हो, मैं कुरुवंशी हूँ जी, भाई मुझे अपने पूर्वजों के जो चीजें की हैं मुझे उन पर मान है, मुझे अहंकार तो होना चाहिए कि यस आई एम द बेस्ट। फिर क्रोध क्यों ना हो, भाई मेरे पिता को, भाई मैं विचित्र वीर के ज्येष्ठ पुत्र का ज्येष्ठ पुत्र हूँ जी, मेरे पिताश्री नेत्रहीन थे, मैं नेत्रहीन नहीं हूँ जी, तो फिर मुझे ये सिंहासन तो मेरा है बिल्कुल, ये अधिकार मेरे पिता का था जो उन्हें नहीं मिला था, जो अधिकार मिला ना पिता को तो मैं उसको मैं पाके रहूंगा। आपने तो बिल्कुल चित्र खींच दिया जैसा लग रहा है कि दुर्योधन हमारे सामने है। ये क्योंकि जी मेरी ये जो मैंने जो बनाया है प्ले उसमें सब डाला है। अच्छा। ये जो हो गया मार्शल आर्ट की बात, आप अभी उसमें कितना वक्त दे पाते हैं, कुछ देते हैं अभी भी? आजकल मैं वही कर रहा हूँ, बैक टू बेसिक्स कहते ना, बैक टू द रूट जी। मैं मेरे गैराज को मैंने जिम कन्वर्ट किया हुआ है। अच्छा। मेरी जो हंगाम में रहता हूँ, मेरा जो पर्सनल गैराज है उसको मैंने जिम बनाया, तो मैं वहीं पे ट्रेनिंग करता हूँ जी, तो मैं ट्रेनिंग करता हूँ और उसमें डेढ़ एक घंटा वेट्स करता हूँ, फिर 1 घंटा मार्शल आर्ट करता हूँ अपने आंगन में खुले में, अपना किकिंग पंचिंग, 1 घंटा मार्शल आर्ट और 1 घंटा फिर रनिंग करता हूँ, तकरीबन 3.5-4 घंटे का वर्कआउट हो जाता है जी आजकल। क्या बात है। आपने फिल्में की, सीरियल किए, इन दोनों में जो कहना चाहिए टेलीविजन और बड़ा पर्दा, इन दोनों में क्या ज्यादा पसंद है आपको? नहीं पसंद तो जी देखिए क्या है, एक कलाकार के लिए परफॉर्म करना होता है, फिल्म्स का ये है कि वो एवरलास्टिंग रहता है, सीरियल में क्या है आपको विस्तार पूर्वक उस कैरेक्टर को पूरा निभाने का आपको मौका मिलता है जी, भी आपको समय की पाबंदी नहीं होती कि भाई हमको 2 घंटे की फिल्म बनानी है तो यार ये 4 ही सीन रखेंगे आपके जी। हाँ। इसमें तो ये फर्क है, पर आजकल के जो धारावाहिक बन रहे वो उस तरह नहीं बन रहे, वो तो बहुत ही ज्यादा ही विस्तार है। जो बन चुका महाभारत जिसकी बात है वो अलग तरीके से बना है जी। हाँ। अब थिएटर जो है वो एकदम लाइव परफॉर्म करना एकदम ही अलग है जी। आप रूबरू ऑडियंस के सामने होते हैं, आंखों में आंखें मिलाकर हम बात करते हैं, आंखों में आंखें मिलाकर आप बात करते हैं, तो और वो वही है, इट्स लाइक एन बोलते ना कि एड्रेनल रश जी, वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है आपका पब्लिक के साथ बिल्कुल, आप अच्छा परफॉर्म करेंगे पब्लिक ताली मारेगी, नहीं करेंगे लोग नहीं उब जाएंगे, तुरंत रिजेक्शन मिल जाता है, तुरंत रिजेक्शन है आपका, और रीटे का कोई चांस ही नहीं है बिल्कुल,
एक्टर का मीडिया है ना स्टेज, तो एक्टर जैसा परफॉर्म करेगा तुरंत उसको मिलेगा, तो मिलेगा तो भी डायरेक्टर तो ने कुछ भी कर दिया जो है वहाँ जी। तो तीनों में से आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है? मुझे तो तीनों हो गए, माँ को आप कहेंगे कौन सा बच्चा तुम्हें ज्यादा पसंद है वो कैसे कह सकती है नहीं फिर भी कुछ लोगों का अपना अपना अलग अलग वो होता है आपको। एन एक्टर हैज टू बी लाइक अ पेंडुलम, जो आपको मंच मिलेगा आप उसके हिसाब से परफॉर्म करेंगे। थिएटर का अपना मजा है, वो मुझे आखिर तक जो बंदा बैठा है मेरी आवाज वहां तक पहुंचनी चाहिए उसके लिए जी। जब मैं पर्दे पे काम करता हूँ बड़े कैमरे पे, तो मुझे पता है सूक्ष्म तरीके से भी करूंगा मेरे एक एक हल्का सा एक्सप्रेशन भी ये कैमरा सामने आ जाता है जी, वो आ जाएगा तो ठीक है, तो वहां पे आपको बिल्कुल ही सटल नॉर्मल करना है। लेकिन इतनी जल्दी इन तीनों कलाएं बिल्कुल अलग हैं। देखिए इसमें आप जैसे सिनेमा करते हैं तो उसमें लॉन्ग शॉट बहुत अच्छा आ जाता है, टेलीविजन में उसकी संभावना नहीं है, बिल्कुल आई टू आई मतलब बिल्कुल क्लोजअप रहता है, टाइट क्लोजअप रहता है, क्लोजअप का मीडियम है जी, क्लोजअप का मीडियम है, तो आपको बहुत हल्के से सिर्फ आंखों में भाव लाना है और सब कुछ कह देते हैं आप। हाँ जी बिल्कुल। हाँ और फिल्म थोड़ा सा उससे ज्यादा, और फिर तो आपको यहाँ पर स्टेज पर तो पूरा हाथ पांव हिलाना पड़ता है दूर तक, बिकॉज़ दैट्स अ मीडियम वेयर पीपल आर गोइंग टू वॉच ऑल योर जेस्चर्स जी, दूर से आवाज जो है एक एक आपका शब्द वो आखिर में जो बैठा है ऊपर तक पहुंचे, सुनाई देना चाहिए जी। तो कैसे तुरंत कैसे, ये आसान नहीं होता है पुनीत जी, आप तो बहुत आसानी से कह रहे हैं, लेकिन एक कलाकार जो है उसने तैयार किया है जी, अपने आपको तैयार करता है इंसान, मुश्किल काम है लेकिन। हाँ जी मुश्किल तो है ना, मुश्किल। हाँ जी बिल्कुल जी हाँ। क्योंकि आप जब एक करने लगते हैं तो आप उसमें रवा हो जाते हैं। हाँ जी ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम इस शख्सियत से बात कर रहे हैं जो तीनों में महारत हासिल है जिनको, और आनंद लेते हैं तीनों में काम करके। मैंने एक और प्ले किया है जी, मैं जी। एक और प्ले करता हूँ आजकल मैं जी, उसका नाम है रावण की रामायण। अच्छा, वो रावण के दृष्टिकोण से पूरी रामायण व्यक्त है। अच्छा, उसमें रावण का पात्र करता हूँ। अच्छा वाह, नाम ही बहुत अच्छा है पुनीत जी, आपको फिल्में देखना कितना पसंद है? बहुत, आजकल तो समय इतना मिल रहा है, देख रहे हैं जो जो फिल्में मिस की हैं उनको देख रहे हैं, घर में बैठ के उसका आनंद ले रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, हम आनंद ले लेते हैं, लेकिन उसकी एक सीमा होती है, जब बहुत ज्यादा फिल्म देखने के बाद थकते हैं तो क्या करते हैं या क्या किया जा सकता है? जब 3.5 घंटा अच्छा वर्कआउट करेगा दिन में, वो प्लान आउट किया हुआ है, घर का काम प्लान आउट किया हुआ है, मुझे कुकिंग का शौक है। अच्छा हाँ, सबसे बढ़िया क्या बनाते हैं आप? आप बताइए, मतलब क्या नहीं बना सकता, बिग बॉस के घर में तो सब बनाया था मैंने और मेरी पत्नी तो मुझसे भी बेहतर बहुत बढ़िया कुक है। अच्छा, तो बहुत अच्छा खाना पकाती है, तो मेरे लिए तो मौज है, मुझे तीनों समय इतना स्वादिष्ट खाना मिल रहा है, और हमें लगता है कि उससे ज्यादा मौज तो आपके बच्चों की होगी। बिल्कुल, और आप सबसे खूबसूरत बात इस लॉकडाउन की ये है कि मैं, मेरी पत्नी, मेरा बेटा भी, हम तीनों जो है वो दिन के तीनों मील इकट्ठे खा रहे हैं हाँ ये बहुत ये बहुत था, रियलिटी थी, बिकॉज़ अभी काम में व्यस्त रहता है, कब आता है थोड़ा सब अलग अलग अपने काम में मसरूफ रहते हैं, तो ये कि भाई ये समय मिला है, तो इसमें एक दूसरे के साथ जो हम समय बिता रहे हैं ये कमाल चीज है। योगा कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, गाने गा रहे हैं, फिल्में साथ देख रहे हैं जी, मुझे स्केचिंग का शौक है, मैं स्केचिंग कर लेता हूँ। अच्छा ये वाह, बहुत सारी चीजें आपके बारे में जानने को मिल रही हैं आपको, ये सारे आयाम जो हैं आपके, रीडिंग और राइटिंग, उसके साथ स्केचिंग, उसके साथ साथ एक्टिंग, इसमें सबसे ज्यादा आपको क्या पसंद है? फिर आप कहेंगे सब पसंद है। नहीं वो है जी, बट जैसे मुझे आजकल जैसे मैं नया एक प्ले पे काम कर रहा हूँ जी, कॉल्ड जय श्री राम जी, मैं रामायण बनाना चाहता हूँ थिएटर के लिए। अच्छा, मैं उस पे लिखने का आजकल मेरा काम जारी है। अच्छा, वही पद्य फॉर्म में लिखूंगा मैं, तो उसपे अच्छा है, रामायण भी आ रहा है, मैं देख भी रहा हूँ, बिकॉज एक 2.5 घंटे का प्ले बनाना है, 2.5 घंटे में पूरी रामायण कैसे अभिव्यक्त करूँ, ये बहुत ही कठिन कार्य, मुश्किल समय लगेगा। जब आप लोगों का ये सीरियल आया महाभारत, उसके बाद बहुत सारे सीरियल आए इसी तरीके के विषयों पर, धार्मिक विषयों पर, जी, जी, जी। कोई किसी एंगल से आया, कोई किसी एंगल से आया, कोई कृष्ण को लेकर आया, कोई कर्ण को लेकर आया, लेकिन उसमें जो परिवर्तन आए वेशभूषा हाँ। में, आभूषण में, मुकुट हाँ। में, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आपको? ये काल्पनिक लोगों की कल्पना है, लोगों ने कहा कि यार ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, बट वो एक जो चोपड़ा साहब जो थे जो कर गए जी, वो तो आज भी अद्वितीय है, बिल्कुल अतुलनीय है। एग्जैक्टली ये बात तो है, और ये जो छवि बन गई है मन में, जैसे लगता है कि आपको बस देखते हैं तो लगता है दुर्योधन याद आ जाता है। हाँ वो देखिए ना, जो एक जो वर्चस्व था जो हमारा जी, जो अच्छा बेस्ट बात क्या हुई ना जी, आजकल क्या होता है सीरियल जो बनते हैं, तो लोग गए शूटिंग पे, एक लाइन बोली,
जहाँ डायलॉग भूले कट आगे बढ़ो, चलो आगे का डायलॉग बोलो जी। एक लाइन कंप्लीट किया था, कट 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 आगे, मतलब याद ही नहीं कर पाते लोग जी। अगर आप महाभारत आप देखिए, लंबे लंबे शॉट्स हैं, ट्रॉली चल रही है, आदमी डायलॉग बोल रहा है, तो ये नहीं कि जहाँ कट किया उससे आगे बढ़ो। तो दूसरा, हमें ना तैयारी का बहुत समय मिला था। 86 में साइन हुए थे, हमारी शूटिंग 88 एंड में शुरू हुई, तो 2.5 साल हमें जो मिले तैयार करने के लिए जी। हमने चीजें पढ़ी, अच्छा क्या है, ये पढ़ा वो पढ़ा, वो सब पढ़ के फिर एक आदमी के एक फिर आवाज का रियाज किया, डिक्शन उच्चारण का प्रैक्टिस की, अच्छा वो करके जब हम आए हैं, तो उससे वो फर्क आपको, वो मेहनत कर, वही मेहनत है जो आजकल के धारावाहिकों में या आजकल की परफॉर्मेंस में वो जो नहीं है, जो उसमें थी। लेकिन आज की तारीख में ये कहा जाता है कि अब उतना वक्त देना आसान नहीं है, तो क्या लगता है कि परिणाम भी इसीलिए वैसे ही आते हैं? परिणाम भी वैसे ही होगा ना जी। आज जब आप मानोगे नहीं, जब ये लॉकडाउन पीरियड में तो दूसरों ने जो महाभारत बनाई थी वो क्यों नहीं दिखा दी लोगों ने जी, गवर्नमेंट ने वो क्यों नहीं दिखाई जी। हाँ, ये बात जब देखिए परफॉर्मेंसेस, एक एक पात्र की, एक एक उच्चारण कहिए, डिक्शन कहिए, लोगों का बिल्कुल सही था। अच्छा, ये क्या आप लोगों को उम्मीद थी कि 33 साल बाद एक बार फिर से? ना, बिल्कुल नहीं, ये तो नहीं किसी को उम्मीद थी। तो भाई देखिए, जो टेलीविजन एक इडियट बॉक्स है मैम जी, जो भी टीवी पर काम आपका सीरियल का टाइम गया, ऑफ एयर गए, आप माइंड से भी निकल गए। बिल्कुल बिल्कुल। बट सिर्फ ये केवल महाभारत की बात है कि इनके पात्र जो है, रामायण जो है, वो लोगों के दिलो दिमाग में लोगों के छाए हुए हैं, अभी भी जीवंत है। तो जीवंत है जी। भी अपने प्ले का आपको एक दो संवाद सुना दीजिए। ये वो प्रसंग है जब दुर्योधन पे सब बराबर द्यूत क्रिया में जी, जब वो जो द्रौपदी का वस्त्र हरण का सीक्वेंस होता है, सब उसे बुरा भला कहते हैं जी, वहां पे दुर्योधन अपने पक्ष में जो कहता है, जो मैंने लिखा है जी, मैं वो आपको सुनाना चाहूंगा। स्वागत है। सब दुर्योधन को बुरा भला कह रहे हैं, पितामह ने कहा, विदुर ने कहा जी, सब ने कहा कि ये तो भाई काला नाग है, इसको तो कर देना, इसको खत्म कर देना चाहिए, ये है मतलब ये कुरु वंश का नाश करेगा, ये करेगा वो करेगा, सब दुर्योधन को ही बुरा भला कह रहे हैं जी। हाँ। तो वहां पर दुर्योधन कहता है कि महामंत्री विदुर, जब द्रुपद सुता को दाव लगाया तब ये नीति कहां गई, न्याय नीति को समझाने की तब ये रीति कहां गई, मैं दोषी नहीं, दोषी वो है जो जुए में नारी का दाव लगाते हैं, दाव लगे को जीते जो, वो दोषी नहीं कहलाते हैं, मैं निर्दोष हूं, जुए में जीती नारी अब मेरी दासी, मेरी संपत्ति है, और मैं अपनी दासी पर आदेश चलाऊं, किसी को क्या आपत्ति है। और पितामह, जब दाव लगाया निज नारी को तब आपने क्यों नहीं रोका, नारी क्या कोई वस्तु है, तब आपने क्यों नहीं टोका, कुल वधु लगे दाव जुए में, क्या ये नारी का आदर है, धर्म पत्नी को संपत्ति समझना सबसे बड़ा निरादर है, आप सभी सभासद संभवतः इस युधिष्ठिर को इसलिए नहीं रोक पाए, मन में सोचा इसी दाव पर सब हारा हुआ वो जीत जाए, क्यों ना बोले सभी, जब इसने नारी सम्मान बलि वेदी पर चढ़ा दिया, इसका पक्ष सभी को प्यारा था जिसने गूंगा बना दिया, महामंत्री विदुर, नीति धर्म यदि कहता है कि बुरा कर्म करना है पाप, तो चुपचाप उसे सहन करना भी कहलाता है महापाप। महापाप जी। मेरी समझ में तो ये नहीं आता कि जो व्यक्ति गया हो स्वयं को हार, अरे कैसे हो सकता है उसे किसी को दाव लगाने का अधिकार, पूछिए अपने महाज्ञानी से, इस धर्मराज युधिष्ठिर से, क्या पत्नी संपत्ति पति की जो दाव लगा दे जुए में, स्वयं धकेले अर्धांगनी को लज्जा के अंधे कुएं में, और ये चार नपुंसक भाई बस भ्रात धर्म को ध्यान में रखा, इसीलिए अपने अग्रज को न रोका, पति धर्म को भूल पत्नी को जुए के इस जलते कुंड में स्वाहा होने से ना रोका, सबको दोष देखे मेरा परंतु इनकी गलती पर ना करते खेद, जिस थाली में खाते हैं ये उसी थाली में करते छेद। ये सारा कुछ था जी। क्या बात है, बिल्कुल निःशब्द कर देने वाली ये आपकी पंक्तियां और उसके साथ आपका ये डिलीवरी। ये मेरे प्ले से है जी, महाभारत। बहुत रोमांचकारी जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
सच में ये जो एस्पेक्ट है इसका और ये जो एंगल है वो आप पहली बार इतने नजदीक से हम समझ रहे हैं। जी जी, पुनीत सर जी इतने जानकार हैं और इतना आपको याद है सब डायलॉग इस वक्त आप जिसका यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो यूं ही आप ढेर सारे डायलॉग्स लिखते रहे बहुत अच्छे अच्छे किरदार के साथ हम श्रोताओं के सामने दर्शकों के सामने आते रहें और उनका मनोरंजन करते रहें और आपकी कला ऐसे ही दिन दूना रात चौगनी बढ़ती रहे। इस शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू। जाने माने अभिनेता पुनीत इस्सर से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत अभी आपने सुनी। इस कार्यक्रम का संयोजन किया शकुंतला पंडित ने, तकनीकी सहयोग सुषमा सुरड़कर, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया अनुश्री पाठक ने। आज पिटारा लाया था आज के मेहमान। आप और हम अब मिलेंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन, मगर पिटारा तो भाई हर रोज खोला जाता है। कल भी खोलिए, रोज खोलिए और सुनिए पिटारा। पिटारा, पिटारा।